यह वीडियो यूपी टेट और सी टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। हमारा पहला प्रश्न है, पठन संबंधी विकास किससे संबंधित है? ऑप्शन ए डिसलेक्सिया, ऑप्शन बी पठलेक्सिया, ऑप्शन सी डिस्फजिया, ऑप्शन डी रीडलेक्सिया। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डिसलेक्सिया। प्रश्न नंबर दो, एक छात्र जो हमेशा नई नई जानकारियों के लिए स्रोतों की खोज करता रहता है तथा शिक्षकों व सहपाठियों से तर्क वितर्क करता रहता है होता है। ऑप्शन ए समस्यात्मक बालक, ऑप्शन बी औसत बालक, ऑप्शन सी प्रतिभाशाली बालक या ऑप्शन डी हठी बालक। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रतिभाशाली बालक। प्रश्न नंबर तीन, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए सीखने की मंद गति, ऑप्शन बी शारीरिक दोष, ऑप्शन सी अमूर्त चिंतन का अभाव या ऑप्शन डी मौलिकता। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मौलिकता। प्रश्न नंबर चार, श्रवण या सुनने की क्षमता को किस इकाई से मापा जाता है? ऑप्शन ए डेसिबल, ऑप्शन बी डेसीमीटर, ऑप्शन सी डेसीपाउंड या ऑप्शन डी डेसिबो। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए डेसिबल। प्रश्न नंबर पाँच, निम्नलिखित में से कौन कौन सी पिछड़े बच्चों की समस्याएं होती हैं? ऑप्शन ए कम शैक्षणिक उपलब्धि, ऑप्शन बी संवेगात्मक समस्याएं, ऑप्शन सी सामाजिक समस्याएं या ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें सभी। प्रश्न नंबर छः, शिक्षा मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों के संबंध में कौन कौन सी जानकारी प्राप्त करता है? ऑप्शन ए प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी, ऑप्शन बी आर्थिक स्थिति की जानकारी, ऑप्शन सी परिवार की जानकारी या ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रवृत्ति व अभिरुचियों की जानकारी। प्रश्न नंबर सात, मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक है? ऑप्शन ए व्यक्ति की अभिरुचियाँ, ऑप्शन बी अभिक्षमताएँ, ऑप्शन सी वातावरण या ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें सभी। प्रश्न नंबर आठ, बुद्धि लब्धि IQ बराबर मानसिक आयु बटे ?100। और इस ऑप्शन नंबर ए औसत आयु, ऑप्शन बी वास्तविक आयु, ऑप्शन सी पारिवारिक आयु या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वास्तविक आयु। प्रश्न नंबर नौ, शैशवावस्था में बालक में कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? ऑप्शन ए सहयोग लेना, ऑप्शन बी अनुकरण करना, ऑप्शन सी आश्रित होना या ऑप्शन डी इनमें से सभी। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। प्रश्न नंबर दस, सामान्य बालक प्रायः किस आयु में बोलना सीख जाते हैं? ऑप्शन ए 11 माह, ऑप्शन बी 16 माह, ऑप्शन सी 20 माह या ऑप्शन डी 24 माह। और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 11 माह। प्रश्न नंबर 11, खेल एक ऐसी क्रिया है जो ऑप्शन ए दूसरों के लिए की जाती है, ऑप्शन बी अपने लिए की जाती है, ऑप्शन सी परिवार के लिए की जाती है या ऑप्शन डी शिक्षकों के लिए की जाती है। और ये सब हम सभी जानते हैं कि खेल सब अपने लिए खेलते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी